प्रजामंडल आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में ये जो प्रजामंडल स्थापित हुए थे। देखो ये शुरू की पहली क्लास है और मैं नहीं चाहता कि मेरी पहली क्लास में से कोई प्रश्न नहीं आए। ये मात्र 20 मिनट में आपको 19 प्रजामंडल है उनके सन जो है वो अंगुलियों पे याद होंगे और 19 के 19 प्रजामंडल के सन जो हैं वो याद होने के बाद में एक प्रश्न आप किसी भी पेपर में सही कर सकते हो। यहां से संभावना रहती है कि एक प्रश्न श्योर डेट आता है क्योंकि इन सभी को रटा नहीं जा सकता। इनको अपने याद करेंगे पेग विधि से, कोड से याद करेंगे, क्योंकि सीधे 19 प्रजामंडल रट लो और वो परीक्षा के टाइम में जरूर भूलोगे। ऐसा तरीका जिसमें आप भूलोगे नहीं, डायरेक्ट याद रहेगा। एक बात मैं पहले बता देता हूं, एक या दो प्रजामंडल ऐसे हैं जिनमें देखो कई बार क्या है, विद्यार्थी किसी किताब का भगत हो जाता है। जैसे आप लोगों में से अधिकांश लक्ष्य वाली गाइड के भगत है और मैं जैसे ही बताऊंगा वो कहेंगे सर लक्ष्य में तो ये सन दिया हुआ है, आप ये कैसे बता रहे हो। इस तरीके का कमेंट आप इस टॉपिक में कृपा करके नहीं करना। मैंने सारे सन एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से उठाए हैं और बोर्ड अगर प्रश्न पूछता है, आरपीएससी यदि प्रश्न पूछती है तो वो उसी किताबों का वर्णन करती है और उसको सही उत्तर मानती है। तो एक दो चीजों में ऐसे लगेगा, पहले ही बता देता हूं कि जैसलमेर प्रजामंडल में तुम्हें दिक्कत आएगी, कई जगह 43 दिया है सन तो कई जगह 45 दिया है, ऐसे करके एक धौलपुर में भी है, तो वो आप बिना कुछ सोचे समझे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एनसीईआरटी में देख के सही मान लेना, बाकी इसमें आपको कोई समस्या नहीं मिलेगी। 19 प्रजामंडल जो आपके हैं उन 19 प्रजामंडलों को आप दो भागों में बांट ले, एक साइड में 13 प्रजामंडल रख दे और दूसरी साइड में मात्र 6 प्रजामंडल रख दे। 13 और 6 क्या हो गए, 19 हो गए। अब इन 13 प्रजामंडलों के लिए आपको एक कोड याद रखना है। राजस्थान जीके पढ़ाने का ऐसा तरीका आपको किसी भी चैनल पर और किसी भी सर के पास शायद नहीं मिलेगा। ये गणितीय विधि सी है, हालांकि गणित से आपको भले ही डर लगता हो लेकिन यह गणित ऐसी है जिससे डर नहीं लगेगा। 193 और इन 6 के लिए कोड रखें 194। यदि आपने इतना काम कर लिया तो आपने 19 प्रजामंडलों के सन याद कर लिए, ये समझ लो। अब आपको 2 का पहाड़ा लिखना है, वो भी आधा, 2, 4, 6, 8 और 10। यहां तक कोई समस्या? अब पहले और लास्ट में से एक एक घटा के लिख देना है। मैं 2 में से एक घटा के लिख रहा हूं, क्या लिखूं, 1, और 10 में से एक घटा के लिख रहा हूं, क्या लिख दूं, 9। अब ये जो 193 कोड है वो इन सब के आगे लगा देता हूं। ये देखना सन बनते जा रहे हैं, 1931, 1934, 1936, 1938 और 1939। इतना काम यदि कर लिया है तो ये 5 सन आपके पास बन गए हैं और इस 5 सनों के अंदर, सर कैमरा थोड़ा सा यहां फोकस, इन 5 सनों के अंदर एक छोटी सी स्टोरी आपको याद रखनी है। स्टोरी क्या है, जैसे मान लो कि हम लोग जयपुर गए, कहां गए, जयपुर। प्रत्येक जगह की एक चीज फिक्स होती है, जैसे सीकर का प्याज प्रसिद्ध है, बीकानेर का भुजिया प्रसिद्ध है, अलवर की सेम्पियन शराब प्रसिद्ध है, जैसलमेर की सांगरी प्रसिद्ध है, ऐसे ही जयपुर की बूंदी प्रसिद्ध है, लाडू बूंदी वाली बूंदी। जयपुर गए क्या लाने के लिए, बूंदी लाने के लिए, यह कल्पना करनी है। हुआ क्या, वहां लिफाफे बंद हो रखे थे, हम उसको कोट में डाल करके जोधपुर ले आए, कोट में डाल करके कहां ले आए, जोधपुर ले आए। जयपुर गए बूंदी लाने के लिए, लिफाफे मिले नहीं तो कोट में डालकर जोधपुर ले आए। अब कोट हो गया मेला, तो कोट को हमने धो लिया और बूंदी को हमने बेच दिया या बिका दिया,
अब एक कल्पना करनी है, ऐसे होता नहीं है हकीकत में। कल्पना यह है कि जब बूंदी को बेच दिया तो हमारे पास पैसे आ गए और वो पैसे अलमारी में भर दिए, सहां जहां बन गए और मेवा खाने लग गए। बूंदी को बेच दिया तो पैसे आ गए, पैसे को अलमारी में भर लिए, सांझा बन गए यानी राजा बन गए और क्या करने लगे, मेवा खाने लगे। और एक ऑर्डर किया कि सीरा करो यानी हलवा बनाओ, सीरा करो। अब यहां पर 19 वर्ड है जो 19 प्रजामंडलों में से 13 प्रजामंडलों को इंडिकेट करेंगे। ये 13 वर्ड देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां। देखो, सीरा करो और सीरे में डलती है किशमिश, ये 13वां हो गया। ये 13 प्रजामंडलों के नाम बनेंगे। इससे जयपुर से जयपुर हो गया, बूंदी से बूंदी प्रजामंडल हो गया, कोट से कोटा प्रजामंडल हो गया, जोधपुर से जोधपुर प्रजामंडल हो गया, धो से प्रजामंडल बना देना है, कौन सा, धौलपुर प्रजामंडल बना देना है, बीका से बीकानेर प्रजामंडल बना देना है, अल से अलवर बना देना है, भर से भरतपुर बना देना है, साहा जहां को साहा पूरा लिख देना है, मेवा से मेवाड़ कर देना है, सीरा से सिरोही, करो से करौली और किशमिश से किशनगढ़। अब देखना, जयपुर और बूंदी प्रजामंडल के सन सामने लिखे हुए हैं, कब, 1931। जयपुर पहला प्रजामंडल था जो सबसे पहले स्थापित हुआ था, सबसे लास्ट में झालावाड़ और सबसे पहले जयपुर। कोट और जोधपुर यानी कोटा और जोधपुर के लिए 1934। धौलपुर, बीकानेर, इनके लिए 1936। धौलपुर और बीकानेर के लिए 1936। पहले बता देता हूं, कमेंट मत करना कि लक्ष्य की किताब में धौलपुर का 1934 दिया हुआ है, 1936 है जी धौलपुर का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 8वीं की बुक में दिया हुआ है। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में स्थापित हुआ, बीकानेर प्रजामंडल भी 1936 में। 1938 में 4 प्रजामंडल हैं, अलवर, भरतपुर, साहापुरा और मेवाड़। ये 4 प्रजामंडल कब है, 1938 में है। 1939 में 3 प्रजामंडल है, सिरोही, सीरा से सिरोही, करो से करौली और किशमिश से किशनगढ़ प्रजामंडल जो है वो कब स्थापित हुआ, 1939 में। ध्यान रखना, 31 में जयपुर बूंदी, 34 में कोटा जोधपुर, 36 में धौलपुर बीकानेर, 38 में अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, मेवाड़ और 39 में सिरोही, किरौली और किशनगढ़। जयपुर गए बूंदी लाने के लिए, कोट में डाल के जोधपुर ले आए, कोट मेला हो गया, बूंदी को हमने बेच दिया और कोट को धो लिया, पैसे आए तो अलमारी भर ली, सांझा बन गए और मेवा खाने लगे, सीरा करवाया और सीरे में क्या डाली, किशमिश। ये 13 प्रजामंडलों के सन आपको इस स्टोरी से याद रख लेने हैं, कभी भी नहीं भूलोगे और ऑप्शन में डायरेक्ट आप इसको सही कर दोगे। कम से कम इतना जरूर याद रखोगे कि इनका कोड 193 था, 194 से इनका कोई लेना देना नहीं था। अब देखना, एक प्रजामंडल आपका बच रहा है, जो 6 बच रहे हैं उनको लिख रहा हूं मैं पहले। एक बच रहा है कुशलगढ़, एक बच रहा है बांसवाड़ा, एक बच रहा है डूंगरपुर, एक बच रहा है जैसलमेर, एक बच रहा है प्रतापगढ़ और एक बच रहा है झालावाड़। क्रम वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी आप धैर्य रखें, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। कुछ कमेंट वगैरह चल रहे हैं सर, सही चल रहा है सब कुछ, सही चल रहा है, कमेंट्स में बताएं।
ठीक चल रहा है। कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये छह प्रजामंडल रहे हैं। इन छह में आपको एक तो इनके कोड लगा दो आगे, 194, 194, 194, 194, 194 और 194, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब बड़े गौर से देखिए, गुड, जिसको कितने वेद आते हो, तीन वेद आते हो, त्रिवेदी, इसलिए इसके आगे लगा दो तीन और साथ में त्रिवेदी। बांसवाड़ा का संस्थापक है भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, तीन वेद आते हैं इसलिए तीन लगा दो। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई। अब देखना डूंगरपुर में, एक तो पुर पढ़ना ही मत, इसको डांगरपुर पढ़ देना और डांगर के चार पैर होते हैं इसे याद रख लेना। 1944 डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944। जैसलमेर में देखो ये पांची है, ये सो गया, लेट गया, इसको उठा दो और ऐसे लगा दो। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945। प्रताप, प से पांच कर दो यहां, प्रतापगढ़ की भी 1945। और झालावाड़ तो ऐसा प्रजामंडल था जो सबसे लास्ट में स्थापित हुआ था, स्थापित हुआ नहीं था, करवाया गया था 1946 में। इसको ऐसे याद रख लेना, ये जालर है, लास्ट में ही आएगा। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में स्थापित हुआ। देखो कुशलगढ़ में दूसरा अक्षर दो है, कोड के आगे दुआ लगा दिया, 1942 बन गया। बांस तीन कट्ठे खड़े होते हैं, बांसवाड़ा का त्रिवेदी संस्थापक है तो तीन लगा दिया। डूंगरपुर को डांगरपुर पढ़ के चार लिख देना, क्योंकि पशु के, डांगर के चार पैर होते हैं। जैसलमेर में ये पांच है, इसको उठा देना। प्रतापगढ़ में पै से पांच बना देना और झालावाड़ को सबसे लास्ट में छह पे रखना है। ये 19 के 19 प्रजामंडल हैं और अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो ये पेपर में आपको याद रह जाएंगे। सीधा रटोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में आप याद कर पाओगे। इनके संस्थापक भी इनके सन के सहारे या इसी ट्रिक के सहारे अगले वीडियो में हम आपके साथ लेके आएंगे। तब तक आप इंतजार करिए और ये सबको जो है वो शेयर कर दीजिए ये वीडियो। आप लोगों की एक दो एक समस्या हो रही होगी कि बोर्ड पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, साइंस वाली क्लास में भी एक कमेंट आया था, ऐसी समस्या को हम कल से दूर कर देंगे। कल के बाद बोर्ड पर रिफ्लेक्शन नहीं आएगा और आवाज एकदम सही आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग सपोर्ट करिए, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।